हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिसेस के बारे में। अपने टीचिंग के लास्ट 30 इयर्स में मैंने देखा कि इवन इन 11th, 12th और इन बीटेक स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं पावर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन को भी। अब बात आती है कि इस कमी को दूर करने के लिए हमें समझने पड़ेंगे कुछ बेसिक्स मैथ्स के। आज हम उन बेसिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के एडिशन में क्या होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव और नेगेटिव नंबर्स हमें मिल जाए तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, फिर हम बात करेंगे इंडेक्स और एक्सपोनेंट का क्या मतलब, फिर हम आएंगे फ्रैक्शनल इंडेक्स पे, यानी अगर पावर फ्रैक्शन में हो जाए तो उससे हमें क्या समझ में आएगा। देन वी विल कम टू द रूल्स ऑफ इंडिसेस। इन रूल्स को समझने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिसेस। और जब मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूं तो तब तुमने पहले वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना है। अपने आप ट्राई करने के बाद ही तुमने सॉल्यूशन को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। मान लो मेरे पास एक नंबर है 4 और इसमें प्लस करना है मुझे -10 को, या मेरे पास नंबर है 10 और इसमें प्लस करना है मुझे -4। दिस मीन्स इन दिस केसेस दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज -10 + 4 एंड दिस कैन बी रिटन एज -4 + 10। सो 4 + -10 मतलब -10 + 4 बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहां देखना क्या है कि अगर मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को एड करना है तो -10 + 4 मतलब 10 माइनस का बड़ा है, 4 प्लस का छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर बड़े हैं पॉजिटिव नंबर छोटे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि नेगेटिव मींस जो मेरे पास से चला गया, पॉजिटिव मींस जो मेरे पास आ गया, तो -10 10 मेरे पास से चले गए, 4 मेरे पास आ गए, तो इसका मतलब अगर 4 वापस आ गए तब भी 6 तो मेरे पास से चले गए और चले गए मतलब नेगेटिव। So it means it will give me the -6। अब अगर इस दूसरे क्वेश्चन में देखें तो -4 मतलब 4 चले गए, 10 वापस आ गए, तो 10 आए उसमें से 4 चले गए, कितने बचे, 6 हमारे पास अभी भी बचे हमारे पास, तो इट मीन्स दे आर पॉजिटिव, तो इट मीन्स +6। इट मीन्स जब भी कभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को एड करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे पॉजिटिव नंबर बड़ा है या नेगेटिव नंबर बड़ा है। अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो रिजल्ट नेगेटिव होगा। और जब भी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन मींस दोनों नंबर्स का डिफरेंस आएगा। हां, साइन उसका आएगा जो बड़ा है। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर में ऐड करें एक नेगेटिव नंबर तो देन साइन ऑफ नंबर विल बी ऑफ बिगर, साइन ऑफ बिगर नंबर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस। तो दोनों नंबर का डिफरेंस जैसे हम यहां बात करें 10 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 6, तो डिफरेंस तो यहां आ गया। और साइन जो भी बड़ा है उसका, यहां पॉजिटिव बड़ा था तो पॉजिटिव साइन आ गया, यहां नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ गया, बिकॉज -10 इज बिगर देन +4। सो बेसिकली दिस रूल विल बी यूज्ड। सेम विल हैपन इन सब्ट्रैक्शन। से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -6। If -4 is to be subtracted from -6, then it means -6 minus multiplied by minus gives plus,
minus 6 plus 4. Now minus 6 plus 4 can be solved by this relation. यानी अब वापस इस रिलेशन को यूज कर लेंगे हम और निकाल लेंगे माइनस सिक्स प्लस फोर दैट विल गिव अस माइनस टू. क्यों माइनस टू? क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है तो साइन नेगेटिव का आएगा और छह और चार दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? टू. तो इट मींस डिफरेंस ऑफ सिक्स एंड फोर विल बी टू एंड साइन रहेगा उसका जो बड़ा है. नाउ इफ वी कम टू मल्टीप्लीकेशन, जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? इसके लिए याद रखना है कि एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर विल गिव अस पॉजिटिव नंबर. ए पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर गिव्स अस पॉजिटिव नंबर, बिकॉज सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग हम उस तरह का मल्टीप्लीकेशन कर ही रहे हैं. प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई प्लस थ्री, थ्री थ्री जाना है, प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई प्लस फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व. तो अगर हम बात करें एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर की तो वो हमें देगा पॉजिटिव नंबर. अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नेगेटिव नंबर विद अ पॉजिटिव नंबर देन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव नंबर हमें हमेशा देगा एक नेगेटिव नंबर. इसका उल्टा भी ट्रू है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव नंबर विल ऑल्सो गिव ए नेगेटिव नंबर. तो इसका मतलब जब दोनों नेगेटिव हैं या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव. अगर दोनों नंबर जिन्हें हम मल्टीप्लाई करना है में से एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव नंबर. अब अगर हम बात करें माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री तो बोलो दोस्तों क्या हो जाना चाहिए? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने हैं तो प्लस हो गया, टू थ्री का सिक्स. अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस फोर विद प्लस सिक्स देन एक नंबर नेगेटिव हो गया दूसरा पॉजिटिव हो गया. अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. सो अब की बार हमें क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर सिक्स फोर था 24 एंड प्लस माइनस और माइनस प्लस विल बी माइनस. तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा चलेगा, सेम ऐसा ही चलेगा डिवीजन के लिए. सेम माइनस थ्री डिवाइडेड बाई प्लस टू देन माइनस थ्री प्लस टू विल गिव अस माइनस थ्री बाई टू ओनली. अगर हम माइनस टेन को प्लस टू से देन इट विल गिव अस माइनस प्लस माइनस जैसा मल्टीप्लीकेशन में रहता है एंड टू फाइव का टेन. बट माइनस ट्वेल्व को माइनस थ्री से देन माइनस माइनस प्लस यानी माइनस विल गेट कैंसिल्ड विद माइनस इन दिस वे आल्सो यू कैन से. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ऐसा बोल दो और थ्री फोर का ट्वेल्व. तो इट मीन्स इन डिविजन और मल्टीप्लीकेशन सेम रूल्स विल बी एप्लीकेबल. नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाई नेगेटिव नंबर will be a positive number. And if negative number is divided by positive number or positive number is divided by negative number, तब हमें मिलेगा एक negative number. अब बात करते हैं जरा index की. Index में हमें दो बातें समझ में आनी चाहिए, यानी दोनों का अंतर समझ में आना चाहिए. क्या है वो दो बातें? अगर मान लो मैं 3 को add करूं 3 में तब 3 plus 3 3 प्लस थ्री इज 6 और इसे क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो इसका मतलब 3 को अगर हमने दो बार ऐड किया तो 3 का डबल हो गया. अगर हम 3 को 3 बार ऐड करें तो ये 3 का 3 टाइम्स दैट इज 9 हो गया और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3. तो मतलब दो बार ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगा, तीन बार ऐड करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, चार बार थ्री को ऐड करेंगे तो फोर टाइम्स हो जाएगा. अब ऐसे ही अगर हम एक्स की बात करें, एक्स को एक्स में ऐड करें तो क्या हो जाएगा? डबल ऑफ एक्स. इसमें एक बार और एक्स ऐड कर दें यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो देन इट विल बिकम थ्री टाइम्स ऑफ एक्स. तीन बार ऐड किया तो थ्री टाइम्स हो गया, थ्री टाइम्स हो गया तो मतलब थ्री एक्स. अगर मैं इसे चार बार ऐड करूंगा तो 4x हो जाएगा. और अगर मैं इन जनरल बोलूं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ऑन n टाइम्स, अगर मैं n बार x को ऐड कर दूं तो दो बार ऐड करने पे डबल हो जाता है, तीन बार ऐड करने पे ट्रिपल, चार बार ऐड करने पे चार गुना हो जाता है.
तो अब n बार ऐड करने पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम n टाइम्स, और n टाइम्स मतलब n इनटू x. अब यहां हमने दूसरी बात क्या समझनी है, अगर ये तो एडिशन की बात थी, अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन के लिए किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. से मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 को 2 के साथ, तो 2 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं लिखता हूं 2 raised to the power 2, बिकॉज इट बिकम्स 4 एंड 4 कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 2. इन द सेम वे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 बार, तो ये 2 2 2 टेबल ऑलरेडी वी नो 2 to the 4 4 to the 8, तो ये हो जाता है 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3. तो इसका मतलब जब हम ऐड करते हैं नंबर्स को, दो बार ऐड करते हैं तो वो डबल, तीन बार ऐड करते हैं तो ट्रिपल होता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स इंक्रीज करती हैं. दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 2 हो जाती है, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर 3 हो जाती है. अगर मैं x को दो बार मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बी कॉल्ड x स्क्वायर. x को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, x into x, तो x cube. अब अगर मैं x को n बार मल्टीप्लाई करूं, x into x into x into so on up to n times, तो क्या बोलते हो दोस्तों, क्या हो जाएगी इसकी पावर? इट विल बिकम x raised to the power n. और इस तरह का एक्सप्रेशन ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. अब इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में x कहलाता है बेस और n कहलाता है पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट. यहां अगर इंडेक्स या एक्सपोनेंट की बात करें तो शायद यहां से क्लियर हो जाएगा. अगर हम किसी नंबर को उस नंबर के साथ बार बार मल्टीप्लाई करें तो उसके ऊपर जो पावर्स रेज होंगी वो पावर्स कहलाएंगी इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, और एक्सप्रेशन ऑफ नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर्स विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. यानी किसी नंबर का एक्सप्रेशन उसकी पावर की फॉर्म में अगर लिख देंगे तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. तो x की पावर n हो गया एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, n हो गया एक्सपोनेंट. अब ये सारे रूल्स हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी कब, जब हम सोल्व करेंगे एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. एक्सपोनेंट क्या है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल इंडेक्स की. अगर हम बोलते हैं कि x टू द पावर n की वैल्यू y है, तो इसका मतलब x कितना होगा. अगर x कितना होगा ये निकाले तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y की पावर 1 by n. और जब भी कभी पावर फ्रैक्शन में हो जाएगी तो वो फ्रैक्शनल इंडेक्स या फिर सर्ड कहलाएगी. और इस y की पावर 1 by n को हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ y. और इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ y. तो इट मींस x रेज टू द पावर n अगर y है तो x हो जाएगा y की पावर 1 by n, और इसका मतलब nth रूट ऑफ y. अब जरा इसको यहां अप्लाई करके देखते हैं. यहां अगर हम बोलते हैं 2 square is 4, अगर 2 square 4 है तो इसका मतलब 2 कितना होगा. 2 विल बी 4 raised to the power 1 by 2. जैसे यहां n के बजाय 1 by n हो गया था तो यहां 2 के बजाय 1 by 2 हो जाएगा. इट मीन्स 2 equal to 4 raised to the power half, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4. अब स्क्वायर रूट में ये 2 लिखना जरूरी नहीं है. अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब यहां अंडरस्टूड है कि 2 लिखा है. और अगर इसको सॉल्व भी करना चाहे तो आगे अभी रूल्स देख लेते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं. अभी इसको और समझ लेते हैं. मान लो हम बोलते हैं 2 raised to the power 3 is 8. अगर 2 की पावर 3 8 है तो इसका मतलब 2 क्या होगा. 2 विल बी थर्ड रूट. ये स्क्वायर रूट था तो ये कहलाएगा थर्ड रूट, जिसको हम बोलते हैं क्यूब रूट. तो क्यूब रूट ऑफ 8, भाई इसका मतलब ये 3 जो था वो n की जगह पे आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए, एंड ऑल्सो 3 रेस टू दी पावर 4, 3 जा 9, 9 जा 81, तो 3 टू दी पावर 4 इज 81, तो दिस इंप्लाइज फिर 3 कितना है इन टर्म्स ऑफ 81, तो 3 इन टर्म्स ऑफ 81 विल बी 4th रूट ऑफ 81, 4th रूट ऑफ 81 मींस दिस वे, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 81 रेस टू दी पावर 1 बाई 4, बिकॉज दी फ्रैक्शनल इंडेक्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रूट. नाउ वी आर कमिंग टू द रूल्स फॉर इंडिसेस. अगर हम बात करें इंडिसेस के लिए रूल्स की, तो सबसे पहले a की पावर m इंटू a की पावर n. अब क्या पता चलता है इससे हमें, पता चलता है a को मल्टीप्लाई करो a से m टाइम्स, फिर a को दोबारा मल्टीप्लाई करो a के साथ कितनी बार n टाइम्स. मान लो तुमने 4 बार यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितनी बार a को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 प्लस 3 7 टाइम्स. तो अब यहां अगर देखें तो हमने a को m टाइम्स पहले मल्टीप्लाई किया फिर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो टोटल a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, m प्लस n. अगर दो बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर 2 हो जाती है, 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर 3 हो जाती है. अब यहां अगर तुमने a को m प्लस n बार मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a की पावर m प्लस n, और ये सजेस्ट करता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं. अब अगर हम डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में क्या होगा, अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूं 2 क्यूब को 2 स्क्वायर से, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट में 2 की पावर कितनी बची, 1. यहां पावर 3 थी, यहां 2 थी, रिजल्ट में 3 माइनस 2 यानी 1. इट मींस जब भी कभी डिवीजन होगा तो डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि a को हमने मल्टीप्लाई किया m बार इन न्यूमरेटर, m बार इन डिनोमिनेटर. अब वो a a a इन m a's में से n a's कैंसिल हो जाएंगे, m में से n कैंसिल हो गए, मतलब m में से n चले गए, m में से n चले गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, a की पावर m माइनस n. अगर हम बात करें a टू दी पावर m रेस टू दी पावर n, मतलब क्या, a की पावर m को खुद से मल्टीप्लाई करो n टाइम्स. अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, तो ये हो जाएगी a की पावर m प्लस m प्लस n, और कितनी बार, n बार. अगर n बार m को अपने साथ ऐड करोगे तो x को दो बार ऐड किया 2x हो गया, 3 बार ऐड किया 3x हो गया, ऐसे ही m को अगर n बार ऐड करोगे तो n टाइम्स m हो जाएगा. इट मींस तुम्हारे पास आएगा a टू द पावर m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इनटू n. मतलब सीधा कि जब भी कभी a की पावर m की पावर n होगी तो वो a की पावर mn हो जाएगी. अगर इसका एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 2 की पावर 2 की पावर 3 है तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 इनटू 3 दैट इज 6. अगर 3 की पावर 4 की पावर 5 है तो इट मींस ये हो जाएगा 3 की पावर 4 इनटू 5 दैट इज 3 की पावर 20. नाउ 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर माइनस n. पावर नेगेटिव मींस व्हाट, पावर नेगेटिव मींस 1 अपॉन a की पावर n. अगर पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. अगर पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n. और अगर a डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां a कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. अब इस बात को एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, तो जरा देखो यार यहां इस जगह में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं. अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर माइनस 2, तो 2 की पावर माइनस 2 का मतलब 2 की पावर 0 माइनस 2, क्योंकि 0 में से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस में वही नंबर रह जाएगा, तो 0 माइनस 2. और इसको फिर कैसे लिख सकते हो, हमें पता है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है,
तो इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 2। अगर 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 2 एक हो गई, तो यहां एक रूल ये भी रहना है कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। सो 2 रेज टू द पावर 0 विल बी 1 एंड 2 रेज टू द पावर 2 विल बी डिनोमिनेटर। अब अगर इसका उल्टा होता कि यहां हमारे पास 2 रेज टू द पावर 2 होता, तो हम इसे लिख देते 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 2। तो इसका जब भी कभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पावर आएगी या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी, तो हम उस पावर को नेगेटिव कर देंगे। इसका मतलब अगर हम यहां देखें तो यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में a की पावर नेगेटिव थी, जब ये न्यूमरेटर में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, a टू द पावर n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर समझना है तो यहां थोड़ा देख सकते हैं। अगर ए बी की पावर एन है तो इसका मतलब a इंटू बी को खुद से मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स। अगर a इंटू बी को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम्स, तो a भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और b भी n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। अगर हम बोलते हैं a अपॉन b की पावर n, तो a अपॉन b की पावर n मतलब a अपॉन b मल्टीप्लाई a अपॉन b मल्टीप्लाई a अपॉन b n टाइम्स। तो न्यूमरेटर में a मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स, डिनोमिनेटर में b मल्टीप्लाई हो जाएगा n टाइम्स, और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा a इनटू a n टाइम्स मतलब a की पावर n, b मल्टीप्लाई b n टाइम्स मतलब b की पावर n। तो ये रूल हो जाएगा a अपॉन b रेज़ टू द पावर n के लिए। अगर हम a की पावर n इक्वल टू b की पावर n बोलते हैं, अगर एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दूसरे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के बराबर है, ऐसे कि उनमें इंडिसेस इक्वल हैं, अगर इंडिसेस इक्वल हैं और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस भी इक्वल हैं, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब ये बेसिस भी इक्वल हो, यानी a इक्वल टू b हो, और ये a और b दोनों होने चाहिए पॉजिटिव नंबर्स। इसको समझ सकते हैं एक और एग्जांपल से। भाई मान लो हमारे पास है 2 रेज़ टू द पावर 3 और सामने है 3 रेज़ टू द पावर 3, तो क्या ये इक्वल हो जाएंगे? नहीं, बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर 3 कैन बी इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 ओनली। अगर ये 2 रेज़ टू द पावर 3 के लिए इक्वल हो सकती है, तो इसका मतलब अगर a की पावर n b की पावर n इक्वल है, यानी इंडिसेस सेम है, वैल्यूज इक्वल है, तो बेसिस भी इक्वल होंगे, तभी ये क्वांटिटीज इक्वल हो सकती है। अगर हम यहां बात करें, यहां बेसिस सेम है, इंडिसेस डिफरेंट है। अगर बेसिस सेम है तो बेसिस सेम है, इंडिसेस डिफरेंट है। मान लो 2 टू द पावर 2, तो क्या 2 की पावर 2 2 की पावर 3 के बराबर हो सकती है? 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। 2 की पावर 2 इक्वल हो सकती है केवल 2 की पावर 2 के। इट मींस अगर यहां a की पावर n है, ये a की पावर n है, तो ये केवल तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये n और m इक्वल हो। तो इट मींस n मस्ट बी इक्वल टू n। तो अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, बेसिस डिफरेंट है बट इंडिसेस सेम है, तो वो इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब बेसिस भी इक्वल हो। अगर दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, उनके बेसिस भी इक्वल हैं बट इंडिसेस डिफरेंट हैं, तो वो इक्वलिटी केवल और केवल तभी होल्ड करेगी जब इंडिसेस भी इक्वल हो। अगर कहीं ऐसा मिल जाए, क्वेश्चंस में अक्सर मिलेगा a की पावर n b की पावर n c की पावर p इज इक्वल टू a की पावर q b की पावर r c की पावर t, तो ये इस रूल्स के अकॉर्डिंग केवल तभी पॉसिबल है जब n q के इक्वल हो, n r के इक्वल हो, यानी इंडेक्स ऑफ a ऑन LHS इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ a ऑन LHS, और LHS में b का इंडेक्स इज इक्वल टू RHS में b का इंडेक्स, LHS में c का इंडेक्स इज इक्वल टू RHS में c का इंडेक्स। इट मींस p मस्ट बी इक्वल टू t। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो एक दो बातें और होनी चाहिए, वो पहली बात, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा होगी वन। से एग्जांपल लेते हैं,
रूट 16 अपॉन क्यू रूट ऑफ 64 रेस्ट टू द पावर 0 इफ समवन इज सेइंग अस क्यू रूट मींस 3 हियर सो रूट 16 डिवाइडेड बाय क्यू रूट ऑफ 64 मान लो हमारे पास है हमें इसकी पावर 0 चाहिए तो हमें पता है एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 इज 1 तो इस अंदर वाले क्यूब रूट और रूट को सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है ये सीधा हमें क्या देगा 1 हालांकि वी नो कि रूट 16 विल बी 4 रूट क्यूब रूट ऑफ 64 क्यूब रूट ऑफ 64 4 इंटू 4 इंटू 4 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बिकम 64 तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी 4 लेकिन कोई जरूरत नहीं रूट 16 या क्यूब रूट ऑफ 64 को फाइंड आउट करने की क्यों क्योंकि पहले ही हमें दिख गया इसकी पावर 0 है एंड एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 सो कमिंग टू सेकंड थिंग अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो इसका मतलब वो नंबर खुद है एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 1 मींस नंबर इटसेल्फ इसका मतलब अगर हम लिखते हैं x तो इसका मतलब क्या है x टू द पावर 1 अगर हम लिखते हैं x टू द पावर 0 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बिकॉज एनी नंबर रेस्ट टू द पावर 0 इज 1 बट इफ वी आर सेइंग x तो इट मींस x मींस x रेस्ट टू द पावर 1 इसीलिए जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पावर हो जाती है x की पावर 1 प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 मींस 2 जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाती है 3 अगर हम बात करें 1 की पावर कोई भी इंटीजर तो 1 को 1 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो दैट विल ऑलवेज गिव अस 1 अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 मिलेगा तो 1 की पावर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू क्यों ना हो दैट विल ऑलवेज गिव अस 1 तो 1 की पावर एनी इंटीजर मींस 1 अब हम बात करते हैं माइनस नंबर यानी नेगेटिव नंबर रेस्ट टू द पावर एनी इंटीजर अगर हम नेगेटिव नंबर के ऊपर कोई पावर चढ़ाए मतलब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन अगर ये हमें पॉजिटिव नंबर देगा और इस पॉजिटिव को फिर हम एक बार नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इट मीन्स जब भी कभी नेगेटिव नंबर की पावर इवन इंटीजर होगी तो वो हमें देगी एक पॉजिटिव नंबर और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड इंटीजर होगी माइनस की पावर 1 माइनस की पावर 3 माइनस की पावर 5 तो इस केस में हमेशा हमें मिलेगा एक नेगेटिव नंबर तो इट मीन्स नेगेटिव नंबर रेस्ट टू द पावर इवन इंटीजर यानी इवन इंटीग्रल वैल्यू 2, 4, 6, 8 ऐसे तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर जब भी कभी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड इंटीग्रल वैल्यू होगी 1, 3, 5, 7, 9 लाइक दैट तो हमें मिलेगा एक नेगेटिव नंबर जैसे अगर मैं बोलता हूं -2 रेस्ट टू द पावर 4 देन -2 रेस्ट टू द पावर 4 विल बी 2 रेस्ट टू द पावर 4 4 इज इवन नंबर माइनस यानी नेगेटिव रेस्ट टू द पावर इवन नंबर विल बी पॉजिटिव Also, if I am saying -3 raised to the power 7, then 7 is an odd integer. It means if there is odd integer value, then it will give me the -3 raised to the power 7. अगर ये power negative में भी होती, तब भी कोई बात नहीं थी. अगर मैं बोलता हूँ -2 raised to the power -4, then -2 raised to the power -4 का मतलब 1 upon -2 की पावर 4 दैट इज माइनस की पावर इवन इंटीजर दैट विल गिव अस अ पॉजिटिव नंबर सो इट मींस इट विल गिव अस 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड पॉजिटिव पॉजिटिव मींस अगेन ए पॉजिटिव नंबर इसका मतलब नेगेटिव नंबर की पावर ऑड इंटीजर मतलब चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो हमें मिलेगा नेगेटिव नंबर की पावर इवन इंटीजर चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमें मिलेगा पॉजिटिव अब इन सब चीजों को जो अभी तक हमने सीखी इन सबको अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहला एक एग्जांपल हमने ले लिया मान लो इवैल्यूएट करो इसको अगर इसको इवैल्यूएट करें तो सबसे पहले देखते हैं 1/4 रेज़ टू द पावर व्हाट स्क्वायर रूट मींस पावर हाफ
सो इट विल बी 1/4 रेज टू द पावर हाफ प्लस हियर पावर इज नेगेटिव. तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का तुम्हारे पास क्या तरीका है? वन अपॉन मिल गया उसे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगी तो पावर नेगेटिव जाएगी. तो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी माइनस माइनस प्लस, तो इसे फिर से एक बार नेगेटिव कर देते हैं नीचे लाके और एक बार दोबारा नेगेटिव करना मतलब पॉजिटिव कर देना, तो इट विल बिकम 0.001 रेज़ टू द पावर 1/3. नाउ माइनस 27 को फैक्टराइज करें तो 3 3 3 यानी 3 रेज़ टू द पावर 3. 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 27 हमें मिलेगा. तो इट कैन बी रिटन एज 3 रेज़ टू द पावर 3 और उसकी पावर 2/3. यहां इसको हम लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर हाफ अपॉन 4 को लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 और उसकी भी पावर हाफ, क्योंकि रूल था हमारे पास a अपॉन b की पावर n मतलब a की भी पावर n और b की भी पावर n. प्लस अगर इसको देखें तो 0.001 मींस 0.1 × 0.1 × 0.1 तो 0.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें ये. अब इसको हम ले सकते हैं 1/0.1 रेज़ टू द पावर 3 4 रेज़ टू द पावर 1/3. 0.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.001. सो 0.001 कैन बी रिटन एज 0.1 रेज़ टू द पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3 है तो 4 रेज़ टू द पावर 1/3. नाउ यहां डायरेक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं a टू द पावर n टू द पावर m तो a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय m तो इट मींस 3 रेज़ टू द पावर 3 × 2/3. दिस विल गिव अस 1 raised to the power any number means 1 upon 2 raised to the power 2 multiplied by half because a to the power m raised to the power n means m into n plus 1 upon 0.1 raised to the power 3 multiplied 1/3 again same rule a to the power m raised to the power n minus 3 will get cancelled with 3 so 3 raised to the power 2. Here 2 will get cancelled with 2, so it will give us 1/2 plus 3 will get cancelled with 3. 3 will get cancelled with 3 means power 1, or power 1, any number raised to the power 1 means number itself. So it will become 1/0.1 minus 3 raised to the power 3 × 2/3. 3 will get cancelled with 3, so 3 raised to the power 2. Now what is 1/2? 1/2 is 0.5 plus what is 1/0.1. If you will remove this point, you will get, you will multiply numerator by 10. So it will become 10/1, that is 10, minus 3 square is 9. So 10 minus 9 is 1 and 1 plus 0.5 is 1.5. So 1.5 will be the answer to this question. Now बात करते हैं दूसरे question की. इसमें हमने simplify करना है x raised to the power m upon x to the power n raised to the power m plus n x to the power n upon x to the power l raised to the power m plus l x to the power l upon x to the power m raised to the power l plus n. It is a simpler question, थोड़ा आसान है. try करके देखो पहले अपने आप video pause करके और फिर जरा solution की तरफ देखना. अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n यानी x टू द पावर m माइनस n बिकॉज इफ वी विल टेक x टू द पावर n फ्रॉम डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर देन इट्स पावर विल बिकम नेगेटिव. सो x टू द पावर m माइनस n होल रेज़ टू द पावर m प्लस n अगेन इन डिवीजन पावर्स आर सबट्रैक्टेड सो इट विल गिव अस x टू द पावर n माइनस n और 4 raised to the power n plus n और इससे हमें मिलेगा x to the power l minus n whole raised to the power l plus n. अब इससे क्या होगा x to the power m minus n multiplied by m plus n. The rule a to the power n raised to the power n
मीन्स ए टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एम, एन माइनस एन इंटू एन प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस एल, और यहां एक्स की पावर एल माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस एम। और शायद एक आइडेंटिटी हमें पता होती है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी हमें देता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यू कैन मल्टीप्लाई योर सेल्फ, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ए बी विल गेट कैंसिल्ड, माइनस बी इंटू बी विल बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये एक्स की पावर एन माइनस एन एन प्लस एन मतलब एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और हमें पता है यार कि मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होते हैं, अगर ऐड होती है तो ये तो सब मल्टीप्लाई ही तो है, ऐड कर दो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सब तो कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स रेज़ टू द पावर जीरो, और एनी नंबर रेज़ टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वन। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, एंड दिस क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिविंग अस 64 बाई 125 रेज़ टू द पावर माइनस 2 बाई 3 इज टू बी डिवाइडेड बाई। अगर डिवाइड करना है किसी रेशो से तो मतलब मल्टीप्लाई करना है उस रेशो के रेसिप्रोकल से, प्लस 25 बाई क्यूब रूट ऑफ 64 रेज़ टू द पावर 0। और फिर से एक बार वीडियो पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखें। अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां तो कुछ देखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। देखना है किसको, इन दोनों टर्म्स को, अगर इन दोनों टर्म्स को देखें तो पहले 64 को फैक्टराइज कर लें, 2 इंटू 2 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 6, सो 2 रेज टू द पावर 6 विल बी 64। नाउ व्हाट अबाउट 125, 125 विल बी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर माइनस 2 बाई 3। डिवाइडेड बाई मीन्स मल्टीप्लाइड बाई, एंड क्या करें कि इसको उल्टा कर दें, उल्टा कर दें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इट विल बिकम 256 अपॉन 625 रेज टू द पावर 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1 मीन्स एनी नंबर डिवाइडेड बाई 1 मीन्स नंबर इटसेल्फ, तो ये हो जाएगा सीधा मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, प्लस इसका कोई इश्यू नहीं है, होल रेज़ टू द पावर 0 मीन्स 1। अब अगर यहां देखें तो यहां पहले एक काम करते हैं यार, इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, इसका मतलब अगर नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, सो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 6, रेसिप्रोकल करने से पावर नेगेटिव से क्या हो गई पॉजिटिव 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहां अगर देखें तो 256 को फैक्टराइज करें, 16 या 256 होता है, तो इसका मतलब ये 4 रेज टू द पावर 4 है या फिर 2 रेज टू द पावर 8 है। अगर इसको 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई यहां देखिए तो 5 रेज टू द पावर 4, 5 5 या 25, 25 25 या 6 25, तो इट मींस इट कैन बी रिटन एज 5 रेज टू द पावर 4, 4 रेज टू द पावर 1 बाई 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर 2 बाई 3, तो इट मींस 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 बाई 3। अब मल्टीप्लाइड बाई यहां देखें तो 2 रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 1 बाई 4 ए टू द पावर एन टू द पावर एन, अगेन सेम थिंग वी आर यूजिंग, और ए अपॉन बी टू द पावर एन मतलब ए की भी पावर एन और बी की भी पावर एन, तो 5 की भी पावर हो जाएगी 4 इंटू 1 बाई 4,
प्लस वन, दिस इज इक्वल टू थ्री, विल गेट कैंसिल विद थ्री, तो यहां बचेगा फाइव की पावर टू, यहां थ्री टू जा सिक्स, तो टू टू जा फोर, तो यहां बचेगा टू रेस टू द पावर फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर टू जा एट, टू वन जा टू, टू रेस टू द पावर टू डिवाइडेड बाई फोर विल गेट कैंसिल विद फोर, फाइव टू द पावर वन यानी फाइव प्लस वन। अब क्या होगा भाई, फाइव की पावर टू ऊपर ज्यादा है नीचे वन है, तो टू माइनस वन वन, तो यहां हमें मिलेगा ऊपर फाइव नीचे, यहां टू की पावर फोर है, यहां टू की पावर टू है, तो डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, फोर में से टू माइनस करेंगे बिकॉज डिविजन में पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये हो जाएगा टू रेस टू द पावर टू प्लस वन। अब अगर बोले तो टू रेस टू द पावर टू इज फोर, तो ये हो जाएगा फाइव बाई फोर प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो फोर वन जा फोर, फोर और फाइव नाइन, तो ये हो जाएगा नाइन बाई फोर। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नाइन बाई फोर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे थोड़ा लॉगरिथम के बारे में। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म।